हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण के पहले लेसन मतलब वाच्य परिवर्तन को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें। तो आज के हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि वाच्य का अर्थ क्या होता है, कि वाच्य कहते किसे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम वाच्य परिवर्तन को किसके नाम से जानते हैं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से। देख रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे, इंग्लिश में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं। तो आंसर है इसका, किसी क्रिया या बात को कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मेरे वाक्यों में जिस की प्रधानता आपको नजर आ रही है तो वो उसका ढंग हो गया, है ना। तो अभी जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है वह पढ़ता है, दूसरा है इसी वाक्य को मॉड्यूलेट करके करा गया है उसके द्वारा पढ़ा जाता है, और तीसरा है माता द्वारा सोया जाता है। हमारे को तीनों ही एग्जाम्पल्स में एक समानता नजर आ रही है कि तीनों ही एग्जाम्पल्स भिन्नता है लेकिन एक समानता दर्शा रहे हैं, किसके? कर्ता, कर्म और भाव के। ये प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हमने वाच्य समझ लिया। अब हमारे मन में एक सवाल या दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या वाच्य के प्रकार भी होते हैं क्या? तो दूसरा प्रश्न हमारा यही है, क्या वाच्य के प्रकार होते हैं? हाँ होते हैं। कौन कौन से? वाच्य कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से हो जाए, वाच्य कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, भाव मतलब इमोशनल के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। देखें तो जरा, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। आज के इस वीडियो में हम कर्तृवाच्य को पूर्णतः समझेंगे, और पूरा वीडियो को देखोगे आप तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कर्तृवाच्य कहते किसे हैं। सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि कर्तृवाच्य कहते किसे हैं, ये किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं, वह वाच्य जिसमें कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसकी प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मतलब सब्जेक्ट को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है या उसकी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित किया जाता है उसे ही हम कर्तृवाच्य कहते हैं। यह आप सेंटेंस देख के समझ जाएंगे। एक नोट ध्यान रखिए, मैं आपको एक नोट देता हूं कि कर्तृवाच्य में क्रिया जो वर्ब होती है, संस्कृत में कर्तृवाच्य में जो वर्ब होती है वो कर्ता के लिंग मतलब जेंडर, पुरुष मतलब पर्सन तथा वचन मतलब नंबर के अनुसार होती है। नंबर मतलब कितने हैं, वो एक है, दो है, तीन है, चार है। पुरुष मतलब हम जानेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। लिंग है नपुंसक लिंग है, स्त्री है या पुरुष है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कर्तृवाच्य होते कैसे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स तीन लैंग्वेजेस में दूंगा, पहला इंग्लिश में, दूसरा हिंदी में और तीसरा संस्कृत में। पहला इंग्लिश में मैं देता हूं आपको एग्जाम्पल समझने के लिए, बॉय गोज टू स्कूल। बॉय गोज टू स्कूल, हिंदी में इसे क्या कहेंगे हम? बालक विद्यालय जाता है। अगर हम इसकी संस्कृत बनाए तो क्या बनेगी? बालकः विद्यालयं गच्छति। हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि बालक के रूप याद होने चाहिए, और फिर जाता है को हम संस्कृत में क्या कहते हैं उसको भी याद होना चाहिए, गच्छति। लेकिन हमारे से ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी को आप किस में चेंज करो, संस्कृत में। ये आपको काम आएगा सिर्फ हिंदी, संस्कृत की हिंदी बनाने में। जब आप एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के प्रश्न पत्र में, उसमें आता है, ठीक है ना। अब हम संस्कृत के इस एग्जाम्पल को पूरी तरह समझते हैं। बालकः विद्यालयं गच्छति, तो इसमें बालकः क्या है? सबसे पहले देखें, बालकः हमारे यहाँ पर कर्ता है। कौन है? कर्ता है। विद्यालयं क्या है यहाँ पर? कर्म है। क्या है? कर्म है। और गच्छति क्या है यहाँ पर?
क्रिया है। हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो कर्ता होता है यानी कि जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार बदलती है, कर्ता के अनुसार। यदि बालक है दे रखा है हमारे को, बालक हमें कि जो बालक है कि जो विभक्ति होगी और जो वचन होगा वो ही क्या होगा, क्रिया का होगा, है ना। तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि बालक के विभक्ति कौन सी लगी है इसमें और इसका वचन कौन सा है। तो देखते हैं, इसमें विभक्ति लगी है प्रथमा और वचन इसका कौन सा है, एकवचन। तो ये हमारे को पता हो गया, तो हमारे को ये भी पता चल जाएगा कि जो गच्छति है मतलब जो क्रिया है इसमें भी ये का यही कॉपी करके पेस्ट करना है। जैसे समझते हैं, ऐसे विभक्ति प्रथमा वचन एकवचन। अब आपको कैसे पता कि ये सही है, तो इसके लिए आपको सही और गलत का फर्क जानने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, बालक के शब्द रूप की और गच्छति के धातु रूप की, ठीक है ना। जैसे समझते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जा रहा है आपको बालक के शब्द रूप, बालक के शब्द रूप, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखिए विभक्ति कौन सी लगा रखी है, प्रथमा। तो इस चार्ट में देखिए प्रथमा विभक्ति, विभक्ति के कॉलम में देखिए प्रथमा आ रहा है। प्रथमा में भी आपको मैं मार्कर से करके बताता हूं, जैसे ये देखिए ये है प्रथमा, विभक्ति के कॉलम में आ रही है प्रथमा यहाँ पर, और वचन कौन सा है, एक वचन। तो एक वचन के कॉलम में प्रथमा के सामने आप जाएंगे तो क्या देखते हैं आप, बालक है जो कि हमारे एग्जाम्पल में है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम गच्छति के धातु रूप भी देखते हैं, तो ये रहा। तो इसमें विभक्ति कहाँ है, ये विभक्ति यहाँ आएगी, वचन यहाँ लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा, तो लगाओ प्रथमा, ये रही प्रथमा, प्रथम पुरुष। और वचन कौन सा है, एक वचन, तो ये रहा। तो यहाँ पर गच्छति आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है भाई साहब, ये रहा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले मस्ट है कि ये लर्न होनी चाहिए, धातु रूप और ये सब लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपने अगले पॉइंट पे, इसको मिटा देते हैं और मार्कर अपने साथ ले लेते हैं और चलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इंग्लिश में एग्जाम्पल है, टू बॉयज गो टू स्कूल, ठीक है ना, टू बॉयज गो टू स्कूल। अब यहाँ पर वचन कौन सा मतलब नंबर क्या है, जो कर्ता का जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पर टू है। तो इसको हिंदी में समझते हैं, जैसे दो बालक विद्यालय जाते हैं, और सरल हो गया मान लिया, है ना। अब इसका संस्कृत में क्या होगा ये देख लेते हैं, बालकौ विद्यालयं गच्छतः, बालक है बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान, ऐसे चलते हैं हमारे रूप। तो उसमें एक वचन आ रहा है, ठीक है। अब इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, बालकौ विद्यालयं गच्छतः का, जैसे बालकौ क्या है यहाँ पर, कर्ता, विद्यालयं क्या है यहाँ पर, कर्म, और गच्छतः है यहाँ पर क्या है, क्रिया, ठीक है ना। अब कर्ता में कौन सी विभक्ति और वचन लगे ये देख लेते हैं एक बार, विभक्ति है प्रथमा और वचन कौन सा है, द्विवचन। हमारे को अंडरस्टैंड है कि दो बालक हैं तो द्विवचन आएगा, ठीक है ना। और ऐसा का ऐसा ही किसमें चलेगा रूप, इसी के अनुसार हम क्रिया को बदलते हैं कर्ता के अनुसार, तो कर्ता क्रिया की भी यही होगी, विभक्ति प्रथमा और वचन द्विवचन। अब इसका एक बार अवकलन कर लेते हैं अपन, जैसे ये देखिए प्रथमा, प्रथमा के कॉलम में जाइए, प्रथम पुरुष की ये कॉलम आ गया। अब इसमें द्विवचन में जाइए मतलब इस वाले कॉलम में, गच्छत आ रहा है क्या, आ रहा है गच्छत, इधर देखिए हाँ आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अब इसी प्रकार हम बालक के रूप देखते हैं, बालक में प्रथमा, विभक्ति के कॉलम में प्रथमा ये रहा, और एक कौन सा वचन है, द्विवचन। तो द्विवचन के कॉलम में प्रथमे में जाएंगे तो हमारे को बालको मिलेगा, हमारे एग्जाम्पल में भी बालको ही है, हाँ इसका मतलब ये बिल्कुल राइट है। समझ में आया, एक और एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से आसानी से समझते हैं। चलिए वही इंग्लिश में हमारा, मैनी चिल्ड्रन गो टू स्कूल, मैनी चिल्ड्रन गो टू स्कूल, हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, बहुत से बालक विद्यालय जाते हैं। अंडरस्टैंड हो चुका होगा पढ़ते ही, हिंदी में बहुत से बालक, बहुत से मतलब बहुत सारे हैं, पता नहीं है हमारे को, मतलब बहुवचन की कैटेगरी में हमारा ये आ रहा है। इसको संस्कृत में एक बार देखते हैं क्या आ रहा है इसका, बालका
बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, इसको भी खोल के देखते हैं एक बार। बालकाः, बालकाः क्या है यहाँ पर? कर्ता। विद्यालयम क्या है यहाँ पर? कर्म। और गच्छन्ति क्या है यहाँ पर? क्रिया, है ना। अब कर्ता में विभक्ति और वचन कौन कौन से लगे? अच्छा, वचन तो अपन को पता ही चल गया होगा, विभक्ति का पता लगाना है। विभक्ति भी पता चल जाएगी देखते ही, लेकिन बस क्या याद होने चाहिए? शब्द रूप, है ना। क्या याद होने चाहिए? शब्द रूप याद होने चाहिए। अब देखते हैं, विभक्ति प्रथमा लगी है और वचन बहुवचन है, क्रिया भी यही होगी बिल्कुल, विभक्ति प्रथमा और वचन बहुवचन। अब देखते हैं इसको चेक करने का। ये देखिए, विभक्ति है, हम कर्ता का देख रहे हैं सबसे पहले, विभक्ति है, विभक्ति के कॉलम में जाएंगे, प्रथमा है, प्रथमा के कॉलम में गए, वचन है बहुवचन, बहुवचन के कॉलम में प्रथमा में जाएंगे क्योंकि प्रथमा है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर? बाल कहा। हमारे एग्जाम्पल में भी बाल कहा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सही है सब कुछ मामला। अब चलते हैं क्रिया की तरफ। क्रिया के अंदर विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, ये रहे प्रथमा। बहुवचन, तो ये रहा बहुवचन, और ये आ रहा है अपने गच्छन्ति, और यहाँ पर भी अपने गच्छन्ति ही आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल है इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा, व्हाट डू यू डू। अब ये पिछले एग्जाम्पलों से बिल्कुल अलग है, इसके अंदर युष्मत, अगर आपको पता होना चाहिए तो युष्मत शब्दों का इसमें प्रयोग हो रहा है। हिंदी में इसको देख लेते हैं, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। अब यहाँ पर जो तुम है वो क्या कर्ता की प्लेस पर है, कर्ता के स्थान पर है, तो तुमको मतलब हमारे को पता होना चाहिए, तो तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं? तुम। और तुम के जो शब्द रूप होते हैं वो किससे जाने जाते हैं? युष्मद के, है ना। अगर आपको युष्मद के याद है, क्या शब्द रूप याद है युष्मद के, तो आप इनको भी सरल से कर सकते हो। लेकिन एक ट्रिक होती है, मतलब इसको सरल करने का, इसके अपन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अपन एक और चार्ट होता है जिसके हिसाब से अपन इसको चेंज कर सकते हैं। अब जल्दी पहले एक बार संस्कृत में देख लेते हैं इसको। त्वम किम करोषि, त्वम किम करोषि, क्या को क्या कहते हैं? किम। और करने को क्या कहते हैं? करोषि, ठीक है ना। करने के भी रूप होते हैं, ठीक है। क्रि, क्रि कहते हैं हम उसे, करना, क्रि धातु से बनते हैं, मूल धातु क्रि धातु, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको, त्वम किम करोषि को, त्वम यहाँ पर क्या है? कर्ता। किम क्या है? कर्म। करोषि क्या है? क्रिया। समझ में आया? त्वम कर्ता, किम कर्म, और करोषि क्रिया। अब त्वम जो कर्ता है, कर्ता में विभक्ति कौन सी लगी है? देखें तो मध्यम, विभक्ति कौन सी है? मध्यम। और वचन कौन सा है? एक वचन। अभी मैं बताऊंगा किसके हिसाब से, कौन से चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो युष्मत के हिसाब से अपन चलेंगे ना, युष्मत के शब्द रूप है उसके हिसाब से नहीं होगा ये, समझना। युष्मत के जो शब्द हैं वो दूसरे अलग चलते हैं, युष्मत में ये प्रथमा विभक्ति है एक तरीके से, लेकिन एक और चार्ट है जिसके हिसाब से ये सेंटेंस बनाया गया, ठीक है ना। और क्रिया भी इसी के माध्यम से चलेगी, तो क्रिया में भी विभक्ति मध्यम और वचन एक वचन। अब देखते हैं चार्ट। तो मैं जिस चार्ट की बात कर रहा था वो है ये वाला चार्ट, ठीक है ना। विभक्ति है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा है सह तव ते, मध्यम तुम युवाम यूयम, उत्तम अहम आवाम वयम। एक बार फिर से याद हो जाना चाहिए यही, सह तव ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ठीक है ना। अब इस चार्ट में जो त्वम है वो कहाँ आ रहा है? विभक्ति प्रथमे में आ रही है क्या? सह तव ते नहीं आ रहा। मध्यम में आ रहा है क्या? त्वम युवाम यूयम, हाँ, कहाँ आ रहा है? त्वम में, मतलब विभक्ति कौन सी? मध्यम। और वचन कौन सा है? एक वचन, ठीक है ना। अब ये अपन को पता चल गया, तो अपन को यदि करोशी मतलब क्रे धातु याद है तो हमारे को वो याद होने चाहिए, तो हम इसको फटाफट से कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, करोषि के रूप में क्रिया है करना, ठीक है ना, पुरुष। मध्यम लेना है तो ये रहा मध्यम। वचन कौन सा है? एक वचन, ठीक है, एक वचन ले लिया तो करोषि आ जाएगा, क्या आ जाएगा? करोषि आ जाएगा, तो यहाँ पर भी करोषि है, तो ये एग्जाम्पल सही है। समझ में आया? बिल्कुल, इस चार्ट को याद कर लेना, इस चार्ट को याद कर लेना, और ये तो याद करने ही है धातु, ठीक है ना। चलिए एक और
एक एग्जांपल है इंग्लिश में, व्हाट डू यू बोथ डू, मतलब तुम दोनों क्या करते हो, तुम दोनों। तो दोनों यहां पर द्विवचन आ रहा है, संस्कृत में देख लेते हैं फटाफट से। यूयम किम कुरुत, तुम दोनों को हम क्या कहते हैं, यूयम किम कुरुत, ठीक है ना। देखते हैं इसको अच्छी तरीके से। यूयम यहाँ पर क्या है, कर्ता, किम क्या है यहाँ पर, कर्म, और कुरुत यहाँ पर क्या है, क्रिया। कर्ता में विभक्ति और वचन का अवलोकन करते हैं, मध्यम विभक्ति और वचन बहुवचन, तो क्रिया भी इसी के चलेगी। विभक्ति कौन सी लगेगी, मध्यम, और वचन कौन सा होगा, बहुवचन, ठीक है ना। इसको भी एक बार वैसे ही देख लेते हैं जैसे अन्य एग्जाम्पल्स को देखा था। चार देखते हैं इसके अंदर, विभक्ति मध्यम है तो ये रहा मध्यम, वचन कौन सा है, बहुवचन, तो बहुवचन की कैटेगरी में मध्यम के सामने जाएंगे तो यूयम आएगा। तो यूयम है अपने पास, हाँ है यूयम, इसकी जांच हो गई। और ऐसा का ऐसा अपन को कृत में, कृत मतलब क्रिय में, क्रिय धातु के लट लकार को चलाना है, तो लट लकार के रूप को अपन चलाएंगे तो हमारे पास आएगा कि मध्यम में ये रहा मध्यम, फिर इसी के सामने तीसरे नंबर का मतलब बहुवचन के अंदर कुरुत, तो यह कुरुत आ गया, तो कुरुत भी आ रहा है। और किम जो ये है कर्म, कर्म को अपन कर्ता के अनुसार ही बदलते हैं, समझ में आया, कर्ता के अनुसार ही बदलते हैं। चलिए एक बार और आगे देखते हैं। अगला है वी ऑल रीड टैक्सेस, इसके अंदर हम समझेंगे वी ऑल रीड टैक्सेस, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कर्म की भी, है ना, कर्म को भी समझेंगे। तो समझते हैं एक बार, हम सब ग्रंथों को पढ़ते हैं, मतलब वी ऑल रीड टेक्स्ट का मतलब होता है हम सब ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हम सबको संस्कृत में क्या कहते हैं, वयम ग्रंथान पठाम है, हम सबको क्या कहते हैं, वयम ग्रंथों को, मतलब ग्रंथों मतलब बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो ग्रंथान पठाम है, ठीक है ना, समझ में आया। ये जो ग्रंथान यहाँ पर आया है वो किसकी उसमें आया है, और जो, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, वयम यहाँ जो एक वयम शब्द है ये अस्मद, अस्मद के रूप है, किसके रूप है, अस्मद के रूप। अगर आप अस्मद के रूप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ग्रंथान कैसे आया है, ठीक है ना, वयम ग्रंथान पटाम है, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, वयम ग्रंथान पटाम है के वयम क्या है यहाँ पर, कर्ता, ग्रंथान क्या है यहाँ पर, कर्म, और पठाम है क्या यहाँ पर, क्रिया। अब कर्ता में वचन और विभक्ति देखते हैं, विभक्ति उत्तम और वचन बहुवचन, तो क्रिया में भी क्या होगा, विभक्ति उत्तम होगी। यो यहाँ पर गलती हो रखी है, प्रिंटिंग में गलती है, यहाँ पर क्या आएगा, उत्तम आएगा, क्या आएगा, उत्तम आएगा, और वचन कौन सा दे रखा है, बहुवचन, जो समान। अब इसको फिर से उसी से समझ लेते हैं, विभक्ति उत्तम यदि उत्तम विभक्ति, वचन कौन सा है, बहुवचन, बहुवचन ये रहा, बहुवचन में अपन किन से कौन से कॉलम में जाएंगे, उत्तम के कॉलम में, तो वयम आ रहा है तो यहाँ पर भी वयम आ रहा है, पटाम है इसी के इसमें चलेंगे तो उत्तम पुरुष, और यहाँ तो ये पटाम है आ गया, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको कृतिवाच्य को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। यदि कोई त्रुटि हो तो मैं, आप बिल्कुल निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस त्रुटि को सही करूंगा। अगर आपको हमारे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू।